मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, मन की तुम माने तो तुम गए काम से, जो भी तुम बोलते हो ना महाराज साहब मन की शांति चाहिए। एक थोड़ा सा प्रश्न पूछूं, सच बोलो आपको बात निकली है तो बताऊं, आसमान की ओर जाने की बात करना चाहता हूं, पहले आपको मैं कंसेप्ट क्लियर कर दूं। सच बोलो, मेरे पास सूरत में एक लड़का आया था, महाराज साहब मन की शांति चाहिए। मैं बोला 10 रुपये में मिल सकती है, बोल। वो हैरान हो गए, महाराज साहब 10 रुपये में शांति मिल सकती है, पहले तू पक्का कर दे कि 10 रुपये का जब जहाँ भी लॉस होगा वहाँ मन को संभाल लूँगा, 10 रुपये के लॉस को एक्सेप्ट कर लूँगा, मन को नहीं बिगाड़ूंगा, ओनली 10 रुपीज़। वो बोला कैसे? मैं बोला सीधी बात है, तू रिक्शा में जा रहा है और 20 रुपये के सामने रिक्शा वाले ने 30 रुपया मांग लिया, अभी तू मुझे बता दे 10 बचाना जरूरी है कि शांति बचाना जरूरी है? वो बोलते हमारा से बेवकूफ़ बना दे दो। मैं बोला 10 ओनली 10 रुपीज़, तू शांति की बात करता है, शांति पाने के लिए हमने तो पूरा संसार छोड़ दिया, तू 10 रुपया तो छोड़ दे। महाराज साहब ऐसे कोई लोग बेवकूफ़ बनाते तो थोड़ा बस, मैं बोला तू घर पे चले जा, शांति के लिए जो 10 रुपीज़ छोड़ने के लिए तैयार नहीं उनको शांति की बात करना कोई शोभा नहीं देती है, मजाक मत करो। तो मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, मन दुख रसिक है, कहीं भी आपको दुख से मुक्त होना है कभी मन की राय मत लेना। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, मन आपको 100% गुमराह करते रहेगा। बताऊं, 1 करोड़ का पेमेंट, 90 लाख का पेमेंट तुम्हारा आ गया, मगर 10 लाख का फोकस रहेगा, ये अनुभव है ना तुम्हारा भी। 10 लोग तुम्हें पूछेंगे पेमेंट का क्या हुआ, 10 लाख हराम को ने दबा दिया, 90 लाख रुपये तुम्हारे पेमेंट के आ गए, मन को इनकी चिंता नहीं है, 10 लाख क्यों दबाया, आने दो मौका, फिर भी मैं देख लूंगा। माने रिपीट करना चाहता हूँ, शरीर सुख रसिक है, मन दुख रसिक है, आत्मा आनंद रसिक है। सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा का वो स्वरूप है, आत्मा आनंद रसिक है। जब आप आसमान की ओर जाना चाहते हो तो भी एक बात कर लेना, न सुख न दुख मगर आनंद। तो आप आनंद की डिफिनेशन मुझे पूछोगे, महाराज साहब आनंद है क्या, तो मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं, एक बार प्रयोग कर लेना आनंद क्या है। वस्तु व्यक्ति और विचार जितने कम उतनी मजा ज्यादा, वो आनंद की डेफिनेशन है। अब एक बार चेक कर लेना, आपके परिचय में आपका रिलेशन बौद्ध व्यक्ति के साथ न हो, बौद्ध वस्तु आपके पास न हो और बौद्ध विचार मन में न हो, ये आनंद की डेफिनेशन। फिर से मैं कहूँ, वस्तु व्यक्ति और विचार जहाँ न हो या तो कम हो, वो आनंद की डेफिनेशन। सिद्ध शिला में सिद्ध भगवंतों के पास न व्यक्ति है, न वस्तु है, न विचार है, मगर पूरी दुनिया का सुख यदि किसी के पास है वो सिद्ध भगवान के पास है। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आगे चलो इनके पहले, सच बोलो आपको गहरी नींद कब आती है? आप सुबह जब उठते हो ना, 10 लोगों को फोन कर दो, यार 2 महीने के बाद इतनी मस्त नींद आ गई, इतनी मस्त नींद मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, ओके। मगर मैं पूछना चाहता हूँ, आपको गहरी नींद आई तब आपके पास व्यक्ति थी कोई तो के नहीं, कोई वस्तु थी तो के नहीं, कोई विचार था तो के नहीं। तो मैं पूछना चाहता हूँ, इतनी गहरी नींद बिना वस्तु बिना व्यक्ति बिना विचार आ सकती है? और आप बोलते हो बहुत मजा आई, बहुत फ्रेशनेस महसूस करता चाहता हूँ, तो मैं इतना कहना चाहता हूँ, वस्तु व्यक्ति और विचार बिना भी आप मस्त रह सकते हो। तो जीवन में यदि आनंद की यात्रा पे निकलना है तो पहले पक्का कर दो, कम वस्तु कम व्यक्ति कम विचार। पंखी को आसमान में जाना है तो कम से कम इसके पास उनके शरीर का बोझ बराबर है, ज्यादा बोझ उठाकर ऊपर की ओर यात्रा नहीं कर सकते। आपने कभी ये देखा, एक काम कर लेना, पालीताना चढ़ते हो ना, तब दोनों हाथ जेब में रख करके चढ़ के दिखा देना, पालीताना की यात्रा पे जाते हो ना तभी एक काम करना, दोनों हाथ जेब में रख करके पालीताना की यात्रा कर देना, दोनों हाथ जेब में रख करके उतर पाएंगे चढ़ नहीं पाएंगे, उतरने के लिए आपके सेटी बेचनेगा, दोनों हाथ जेब में चढ़ो मगर हाथ में जेब रख करके होगा नहीं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जेब यदि हाथ से भरा है तो भी नहीं चढ़ सकते हो, पूरी खोपड़ी पैसा से भरी है ऊपर कैसे चढ़ पाएंगे। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, आनंद की यात्रा पे निकलने की पहली कंडीशन वस्तु व्यक्ति और विचार, वाई वी आर हैप्पी। आप सचमुच पंखी बन के ऊपर जाना चाहते हो तो पहली कंडीशन, आपके परिवार के लिए मैं नहीं कहना चाहता, आप खुद के लिए,
गुरुदेव बस बोध हो गया, ट्रैवल लाइट, हल्केपन से मुसाफरी करेंगे तो ही तो ऊपर की ओर जा पाएंगे। आपको बताऊं, सच बोलो, एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाला होता है वो टीवी लेके चढ़ता है क्या? एवरेस्ट पर जो ऊपर चढ़ने वाला ये सोचता है कि टीवी लेके चलूं ताकि बीच में आराम करना तो थोड़ा सीरियल देख लूं? हाँ, उनको बोला जमीन पे चल यार। हाँ, ऑक्सीजन लेके चलेगा क्योंकि उनको मालूम है ये वजन नहीं है, ये तो जीवन है। ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलना वो वजन नहीं, वो तो सिलेंडर है। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपको कहीं तेज गति से कहीं पहुँचना है, आप पेट्रोल पंप पर जो रुकते हो वो टाइम का वेस्टेज है क्या? अब एकदम तेज गति से भागना चाहते हो मगर पेट्रोल पंप पे लंबी लाइन है और आपको आधा घंटा पेट्रोल पंप पे रुकना पड़ा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, पेट्रोल पंप पर रुकना वो टाइम वेस्टेज है क्या? आप यही बोलेंगे गुरुदेव, आधा घंटा पेट्रोल पंप पे रुक सकता हूँ ना तभी तो 23 घंटे गाड़ी चला सकता हूँ। मैं यही कहूँगा, धर्मस्थान वो पेट्रोल पंप है, यहाँ यदि तुमने समय नहीं निकाला तुम्हारा जीवन चलने वाला नहीं है, ये टाइम वेस्टेज नहीं है, यही सच्चा टाइम है। तुम यहाँ जितना ज़्यादा समय रहो इतना नाम, आई वुड लाइक टू टेल यू, यदि आसमान की यात्रा पे चलना है तो 5 स्टेप समझ लो, मैं हूँ तो मैं, आप हो तो आप, 100% वी आर ऑन द जर्नी टू स्काई।